चैनल मैन, दिस इज चैनल एंड यू आर वॉचिंग चैनल यूनिक व्लॉग। ओके सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको टूर देने वाला हूँ ये शानदार जंगल सफारी का। आप इसका गेट देख सकते हो, क्या ऑसम लग रहा है ये बाहर से। तो जंगल सफारी के अंदर चलकर देखते हैं कैसा होने वाला है। ये जंगल सफारी में क्या है कि 1500 से भी ज़्यादा एग्जॉटिक एनिमल्स है, बर्ड्स है यहाँ पर, एग्जॉटिक है बर्ड्स जो कि फॉरेन कंट्रीज से लाए गए, अफ्रीका एशिया के बहुत सारे कंट्रीज से और फिर अमेरिका के बहुत सारे बर्ड्स लाए गए यहाँ पर। इसकी टिकट कितनी होती है, आपको बुक कैसे करनी है, वो सब मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ और पूरा टूर देता हूँ इसका अंदर से ये कैसा होने वाला है। सो गाइस कीप वॉचिंग द फुल वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द व्लॉग। इसकी एंट्री यहाँ से होती है, आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए, बहुत ही ज़्यादा दिखने में ये कमाल लग रहे हैं। तो और सामने की तरफ यहाँ पर टिकट काउंटर भी है, लेकिन अभी ऑफलाइन टिकट्स अवेलेबल नहीं हो रही है, टिकट्स आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। कि पर पर्सन अडल्ट टिकट की प्राइस है 200 रुपीज़ और चाइल्ड की टिकट की प्राइस है 125 रुपीज़। ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट की दे रहा हूँ। ये साइड बहुत सारे केज बनाए गए और यहाँ पर स्क्विरल मंकी है, ये देख सकते हो दो स्क्विरल मंकी है, ये देख सकते हो सोया हुआ है, एक अजाग गया, बहुत ज़्यादा क्यूट है गाइस ये लोग। अगर आप भी ऐसे एनिमल्स में इंटरेस्ट रखते हो यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट कर लेना। देखो ये साइड से मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ये रहा, ये रहे भाग गए दोनों अपने घर के अंदर, ये देख सकते हो वैसे डर रहे बेचारे। फिर यहाँ पर है, इसका नाम है रिंग टेल्ड लिमोर, ये कहाँ होंगे, ये रहा, लग रहा है ये बहुत ज़्यादा डर रहा है, अपनी टेल को लिपट के बैठा हुआ है, ये देख सकते हो। अभी बाजू वाला केज का लुक लेते हैं, यहाँ पर है चैनल बिल्ड टकून, ओ वाव, ये वाला बर्ड देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ब्लैक कलर का ऊपर से वाइट शेड है और येलो का भी शेड है, रेड का भी शेड है, आप देख सकते हो। दूसरा जो कि ये पपैया खा रहा है अभी, तो इस लोग के लिए खाना भी रखा गया है यहाँ पर, वो अच्छी बात है। और पीने के लिए पानी भी ये रहा है उनके लिए। और ये वाले केज के अंदर देख सकते हो सेवरल कैट, इसका नाम है, लगती तो जैसे टाइगर जैसी लग रही है। और फिर ये वाले केज के अंदर सिल्वर फॉक्स है जो कि ये सोया हुआ है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर है एशियाटिक लायन, जो कि लायन बहुत ज़्यादा दूर बैठा हुआ है आप देख सकते हो। और फिर ये वाले केज के अंदर लेपर्ड है, तो ये देख सकते हो दो लेपर्ड है, बहुत ज़्यादा दूर है ये लोग भी, बहुत ज़्यादा दूर दूर बैठे हुए हैं ये। और ये वाले केज के अंदर है बंगाल टाइगर, तो ये टाइगर तो सच में बहुत ज़्यादा नज़दीक घूम रहा है। और ये टाइगर है ना बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है साइज़ में, कैमरा में सिर्फ ये छोटा दिखाई देता है लेकिन है बहुत ज़्यादा बड़ा। और गाइज अभी ये वाले केज के अंदर है ना पैरट्स रखे गए, क्या नाम है इसका, रियो, तो गाइज इसका नाम रियो है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक बर्ड लग रहा है, एकदम शांति से खड़ा रहता है अपने हाथ पे, बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है हाथ को, ये उसके नेल्स बहुत ज़्यादा शार्प है। मोदी ने लिया था ना वही। अच्छा वही बर्ड है क्या, हाँ हाँ, जो मोदी जी जब यहाँ पर आए थे इनॉग्रेशन के लिए तभी उन्होंने यही वाला बर्ड हाथ में लिया था। काटता नहीं है ये, अच्छा देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा है, देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल बर्ड है, भागता भी नहीं है हम लोग से, डरता भी नहीं है ये हाथ पे आने के लिए, ले लो। और गाइज ये यहाँ पर दूसरा वाला ये एनिमल है, मिनिएचर पोनी नाम है इसका, ये देख सकते हो ये घोड़ा ही है क्या, अच्छा तो ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा है ये, कहाँ से ला गया है इसको, अच्छा यूरोप से आया गया है गाइज ये। गाइज यहाँ पर ये दूसरे एनिमल्स है ये केज के अंदर जिसका कुछ नाम है टर्की एंड गीस, तो ये देख सकते हो कुछ बाहर भी निकल गए, देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और ये तो एक्चुअली लगते हैं रैबिट की तरह। और गाइज अभी दूसरे केज के अंदर यहाँ पर ये वाले बर्ड्स है, फाउल्स लिखा हुआ है और हेज हॉग लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पर बाहर आ गया, पर्शियन कैट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट और हेयर बहुत है इसके ऊपर, कुछ ऐसी कैट है गाइज, काटती नहीं है मतलब वाइल्ड नहीं है ये। जब ये गोल्फ कार में हमें ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, सो गाइस अभी नेक्स्ट स्टॉप पर हम लोग आए हुए हैं, ये आप इतना बड़ा डोम देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स की स्पीशीज को लेके आए गाइस, कुछ ऐसी एंट्री है गाइस क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स बाहर ना निकल जाए, तो ये देख सकते हो कुछ बर्ड्स के लिए ऐसा बनाया है क्योंकि बहुत बड़ी जगह दे दी है और बहुत सारे अलग अलग पैरट्स है यहाँ पर सामने की तरफ ही,
ये देख सकते हो। और यहाँ पर ब्लू कलर का पैरोट है, इसको पैरोट बोलते हैं या और कुछ मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इनके लिए खाना भी यहाँ पर अच्छा दिया गया है। और ये ट्री के ऊपर भी देख सकते हो, ट्री तो नहीं है ऐसा इनके लिए बनाया गया, बहुत सारे वाइट कलर के बर्ड्स है यहाँ पर। सो यहाँ पर नाम भी लिखा गया इनका, कुछ ब्रेल बोलते हैं ये बर्ड्स को। पर मतलब एक एक बर्ड के लिए इन लोग ने साइन बोर्ड तो लगाया है, लेकिन ये बर्ड एक जगह पर थोड़ी रुकने वाले हैं, सब इधर से उधर भागने वाले हैं। ट्री के नीचे बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। और फिर कुछ ऐसे रास्ते से होते हुए, क्योंकि इसके नीचे इन लोग ने ये पानी का पॉन्ड जैसा भी बनाया है बर्ड्स को पानी पीने के लिए। तो मेरे हिसाब से बर्ड्स यहाँ पर अच्छे से रहते। और ये देख सकते हो यहाँ पर भी पैरोट्स है गाइस, इनके लिए यहाँ पर मतलब खाने पीने की सुविधा भी कर दी है इन लोग ने। और वो देख सकते हो ये सारे बर्ड्स ऊपर भी चढ़ गए। ये देख सकते हो हमारा पिकॉक नेशनल बर्ड, अभी खाली इसने पंख नहीं खोले हुए है, वरना तो ये बहुत अमेजिंग लगता। फिर आपने ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत सारी जगह देखे रहेंगे, प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स बनाए, छोटे छोटे घर के स्ट्रक्चर्स ये लोग ने बना के रखे। ये मतलब डोम के अंदर इन लोग ने बहुत सारे बर्ड्स रखे, और ये डोम से बाहर ना निकल पाए इसके लिए, वरना यहाँ पर सिर्फ नेट लगाया गया है नेट से, क्योंकि हवा तो अंदर आ सके। ओके सो गाइस, हम लोग वो डोम के बाहर निकल चुके हैं वहाँ से एग्जिट, और फिर उसके सामने की तरफ और एक केज जैसा बनाया गया है। यहाँ पर ये कुछ डियर जैसा रखा गया है, नाम आप देख सकते हो, और फिर वो देख सकते हो सामने की तरफ है, ये कुछ 4, 5, 6, 7, 8 डियर रखे गए। मतलब सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है, उन लोगों को खाने पीने का भी रखा गया है, घास रखी गई है उसके पास। और फिर ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ना, ये नीचे एकदम स्लोप बनाया गया है, क्योंकि ये लोग बाहर ना निकल जाए यहाँ से इसके लिए। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा माउंटेन ही माउंटेन है। अभी आगे और एक बस स्टॉप है, वो गोल्फ कार हमें वापस आगे के स्पॉट पर लेके जाएगी। और यहाँ पर ब्लैक बक और यहाँ पर चिटल। सो अभी हम लोग नेक्स्ट डोम के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर मतलब एक्सोटिक बर्ड्स रखे गए, अंदर चलकर देखते हैं। मैंने बाहर से तो देखा बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स दिखाई दे रहे थे, और फिर यहाँ देख सकते हो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए गए जो कि बर्ड्स वहाँ पर रह सके उसके लिए। और फिर फ्रूट्स डाले जाते हैं बर्ड्स के लिए यहाँ पर, कभी भी उनको मन करे तो कभी भी आकर खा सकते हैं। तो मतलब खाने पीने की व्यवस्था तो पूरी की गई है गाइस बर्ड्स के लिए यहाँ पर। और बहुत सारे बर्ड्स है इधर उधर भाग जाते हैं, एक जगह पर रुकते तो नहीं है, वापस से आप देख सकते हो सभी बर्ड्स के लिए अलग अलग यहाँ पर साइन बोर्ड्स दिए गए, लेकिन वो साइन बोर्ड के ऊपर थोड़ी बर्ड्स रुकने वाले हैं। कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर हमें वॉक करते करते आगे से राउंड मार कर वापस वहाँ जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहीं से एग्जिट कर लेना ये डोम में भी। तो ये डक को बोला जाता है कैरोलिना डक, ये देख सकते हो बहुत सारे पॉन्ड के अंदर डक्स को रखा गया है। ये आप ऊपर की तरफ बर्ड देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ये कलरफुल है। और ये एग्जॉटिक पैरोट लग रहा है मुझे तो, और ये छोटा वाला तो लव बर्ड है, बहुत सारे लव बर्ड्स वहाँ पर भी है ये देख सकते हो। ये बाकी कुछ भी बोलो, ये वाला जो पैरोट है ना एग्जॉटिक पैरोट, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और साइज़ में भी बहुत बड़ा है। ऐसे कैमरा में बहुत छोटा दिख रहा है बर्ड, लेकिन यहाँ असली में देखे ना बहुत बड़ा है। उनके लिए खाना भी रखा गया है, क्या ये चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी ये केज के अंदर इमू करके कोई बर्ड है, वाला भी करके है, एप्पल का करके भी कुछ है, और लामा करके भी कुछ एनिमल है, ये देख सकते हो। ये रहे वो सारे लामा, ये कुछ लामा लग रहे मामा। इनका नेक बहुत बड़ा रहता है साइज में देखो। और फिर वहां पर भी कुछ कुछ एनिमल्स घूम रहे हैं।
और फिर वो तरफ भी कुछ एनिमल्स है। वाइल्ड बीस्ट करके नाम है ये कुछ, ओरिक्स करके इसका कुछ नाम है, और ये तो ऑस्ट्रिच, यहाँ पर ज़ेब्रा है, और फिर ये जिराफ। तो ये वाले अंदर ये सारे एनिमल्स रखे गए, ये देख सकते हो सामने की तरफ, मतलब बहुत दूर दूर रखे गए। यहाँ पर ये लोग ने कोई यहाँ पर केज नहीं लगाया, सिर्फ ऐसा ही लगाया उसके, और फिर एनिमल्स बाहर ना आ जाए उसके लिए यहाँ पर एक स्लोप जैसा बना दिया, इसलिए ऊपर चढ़कर भी ना आ जाए ये लोग। ये जिराफ यहाँ पर देख सकते हो, जिराफ के पैर भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं और उसका नेक होता है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा है। उसके लिए जो खाना रखा गया है, पानी भी, वो भी ऊपर की तरफ ही रखा गया है। और फिर गाइज यहाँ पर रेड इगुआना, ये केज के अंदर ये इगुआनास देख सकते हो, जिसके साथ मैंने एक वीडियो भी बनाया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये इगुआनास। तो चिपकली की तरह ही लगते हैं लेकिन साइज में बहुत बड़े रहते हैं। एक इगुआना, ओ टॉर्टोइस भी है यहाँ पर गाइज, उसके लिए सारे पेट्स के लिए अंदर खाना भी रखा गया है, पानी भी रखा गया है, और एक इगुआना यहाँ पर भी रखा गया है। कुछ ऐसा ही है सफारी पार्क का टूर गाइस। सफारी पार्क में दो एरिया थे, एक सफारी पार्क था जो मैं आपको पहले लेके गया था, और फिर ये वाला जो पेट्स का एरिया था, पेट जोन। तो फिर वहाँ पर हमें पेट्स को टच करने मिलता है, और जो सफारी पार्क था, सफारी पार्क में हम लोग खाली दूर से ही देख सकते हैं, और सफारी पार्क में बहुत सारे ऐसे डेंजरस एनिमल्स थे ना, उन लोग को बड़े बड़े कांच के अंदर रखा गया था। तो जो वहाँ पर सिक्योरिटी रहते हैं ना, वो कांच से हमें दूर रहने बोलते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि जो टाइगर है ना, कभी कभी गुस्सा हो जाता है ना तो कांच पे आके जोर जोर से ठोकता है। तो इसके लिए आज तो वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिक्योरिटी वैसा बोल भी रहा था। सो बस गाइस ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल द टाइम गुड बाय।